अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये है यूजेज ऑफ इथीन। हम इथीन को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अगर इथीन के यूज़ में देखी जाए तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। इट इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। यानी कि फ्रूट्स को मसनूई तरीके से पकाने के लिए हम इथीन गैस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर इथीन गैस की स्मेल करनी हो ना, जहाँ पे केलों को पैल लगाई जाती है, यानी कि जहाँ पे केले काफ़ी सारे इकट्ठे करके रखे जाते हैं, वहाँ पे याद रखिए कि पटास वगैरह नहीं इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे केले वगैरह रखते हैं ना, वहाँ पटास कोई भी नहीं यूज़ करते। वहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ केलों को रख देते हैं, कमरा बंद कर देते हैं और केलों के अंदर से इथीन गैस निकलती है। और केलों के अंदर से जो एक स्मेल आ रही होती है ना, वो असल में हमारे पास इथीन गैस की होती है। किसकी होती है? इथीन गैस की, सही। और इसलिए हम कहते हैं कि इथीन गैस को हम यूज़ करते हैं फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। मसलन आप केले वगैरह की राइपनिंग की बात कर लो, आप किसी भी और चीज़ फल फूल की राइपनिंग की बात कर लो, वहाँ हम इथीन गैस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुझे इसके बाद इसको जनरल एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। इसको जनरल एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जनरल एनेस्थेटिक एजेंट से मुराद है बेहोश करने वाली दवा। यानी कि ऐसी अद्वियात जिनको हम बेहोश करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहाँ पर इथीन का हम यूज़ कर रहे होते हैं, सही बच्चे। इसके बाद जो थर्ड है ना, इसको पॉलीथीन, हमने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़े थे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हम इथीन का रिएक्शन करवा के पॉलीथीन बना देते हैं। और पॉलीथीन प्लास्टिक के जितने भी मटेरियल्स हैं ना, मसलन आपके वो केबल्स हो गए, टॉयज खिलौने वगैरह हो गए, ये सारे के सारे बैग्स कुछ होते हैं, वो पॉलीथीन बैग्स आपने सुना है, शॉपर जिसको आम जबान में कहते हैं, ये सारे के सारे बने होते हैं इथीन से, सही है। इथीन इज यूज्ड टू फॉर्म पॉलीथीन। इसको पॉलीथीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ फर्दर यूज इन और पॉलीथीन को आगे हम इस्तेमाल करते हैं, फर्दर यूज इन टॉयज खिलौनों में। इसके अलावा हमारे पास बैग्स ETC, इन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे फोर्थ नंबर पे आपने ना इथीन का रिएक्शन पढ़ा, किसके साथ इथीन का रिएक्शन हमने करवाया था? KMnO4 के साथ, और उसके नतीजे में हमारे पास ग्लाइकोल बनता था। क्या बनता था? ग्लाइकोल। पहले नंबर पे इसको ग्लाइकोल प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइकोल याद रखिएगा, ग्लाइकोल को हम यूज़ करते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब एंटी फ्रीजिंग एजेंट कौन सी चीज़ होती है? देखो, अगर बहुत सर्द इलाकों की बात की जाए, वहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह होती है ना, उनके अंदर जहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन -15°C -30°C है, अब देखो इतने टेम्परेचर में गाड़ियों के रेडिएटर के अंदर जो पानी होना चाहिए, उसको तो चाहिए जम जाए, लेकिन वो जमता नहीं है। वहाँ हम क्या करते हैं, ग्लाइकोल को लेके पानी के अंदर डाल देते हैं, जो कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, जो क्या है हमारे पास एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, और ये गाड़ियों के अंदर पानी को जमने नहीं देता, सही। और यही यूज हमने यहां पर लिखना है, इट इज यूज्ड टू फॉर्म या फिर फॉर्म की जगह पे मैन्युफैक्चर या प्रीपेयर वर्ड भी लिख सकते हो, प्रीपेयर अल्कोहल्स, इसको अल्कोहल से तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ग्लाइकोल को आगे कहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, ग्लाइकोल इज यूज एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, और ग्लाइकोल को एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।
बच्चे जो लास्ट वाला यूज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पास पेपर में खुद एज इट क्वेश्चन आ चुका है, अब वो कहता ही है कि व्हाट इज मस्टर्ड गैस, ये लास्ट वाला यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इसको किस तरह तैयार किया जाता है। ये बच्चे पास पेपर में काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है, व्हाट इज मस्टर्ड गैस एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। अब मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन एक सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन इससे पहले कुछ थोड़ी सी बातें सुन लो। मस्टर्ड गैस ना असल में गैस नहीं है, जो मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस है, ये गैस नहीं बल्कि ये लिक्विड है। अब इसको मस्टर्ड नाम दिया क्यों गया है? आपने शायद ये पढ़ा हो बायो के अंदर, मस्टर्ड प्लांट सरसों के पौधे को कहते हैं। अब इसकी जो स्मेल होती है ना, ये सरसों के पौधे की तरह की होती है, जो सरसों के पौधे तेल वगैरह है ना, जैसा कि स्मेल उसकी है। तकरीबन इस गैस की, ये जो लिक्विड था, इसकी गैस, ये जो स्मेल है, तकरीबन उसकी तरह की होती थी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मस्टर्ड गैस। पहली बात ये याद रखें, ये गैस नहीं है, सिर्फ नाम पड़ा हुआ है, सही है, असल में है क्या, लिक्विड है। आप सिंपल ये समझ लो, जैसे सरसों का तेल है ना, सेम इसी तरह का होता है। क्या है? जैसे सरसों का तेल है ना, सेम एज इट वैसे का वैसा होता है, सही। अब इसको यूज कहां पे किया जाता है? इसको ना पहले जंगे अजीम में यूज किया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसको इस्तेमाल किया गया, वर्ल्ड वार में। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसको यूज किस तरीके से किया गया? उन्होंने ना मस्टर्ड गैस को बड़े बड़े टैंकों के अंदर भरा, भरने के बाद हेलीकॉप्टर में लेके जाके आसमान से इसकी स्प्रे कर देते थे। अब स्प्रे करने के बाद नीचे जो भी फौज वगैरह होती थी, जैसे उनके जिस्म के ऊपर पड़ती थी, वहां पर छाले बनने शुरू हो जाते थे। और जहां जहां भी पड़ता ना, एक ड्रॉप भी गिरा जहां पे, वहां पे छाला बन जाता था। और अगर किसी इंसान को काफी सारे मुंह के ऊपर, और उसके बाद बड़ी दर्दनाक मौत होती थी। पहली जंगे अजीम के बाद मस्टर्ड गैस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि आप इस चीज को दोबारा जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप हमेशा जंग में वो चीज इस्तेमाल करें जिससे सडनली मौत हो। यह भी जंग का असूल है, आप कभी भी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे बड़े तरस तरस के वो बंदा तड़प तड़प के मरे। गोली मारो, सडन मौत है। एटम बम गिरे, सडन मौत है, सही है। कोई भी काम करो, पहले तलवारों से होती थी, सडन मौत आती थी सडन मौत, सही बात। ये बात आपने याद रखनी है कि मस्टर्ड गैस क्या है हमारे पास, असल में गैस नहीं है, इट इज़ अ हाई बॉइलिंग लिक्विड। यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है, मस्टर्ड गैस इज नॉट अ गैस, बट ये गैस नहीं, बट इट इज अ हाई बॉइलिंग लिक्विड, हाई बॉइलिंग लिक्विड, बॉइलिंग लिक्विड। ये क्या हमारे पास हाई बॉइलिंग लिक्विड है। अब इट इज गिवन नेम। अब इसको जो नाम दिया गया है वो किस वजह से, इट इज गिवन नेम बिकॉज द स्मेल, अगर इसकी खुशबू की बात की जाए, द स्मेल ऑफ मस्टर्ड गैस इज लाइक अ मस्टर्ड। ये बिल्कुल मस्टर्ड की तरह की होती है, मस्टर्ड की कहते हैं सरसों के पौधे को, इज लाइक मस्टर्ड, वो मस्टर्ड ऑयल होता है, जो सरसों का तेल है उसको मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, सही है। जो पौधा है ना, उसकी तकरीबन एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, साग वगैरह बनाते हैं ना, उसकी स्पेसिफिक खुशबू होती है, उसकी तरह की इसकी खुशबू होती है, सही। इट इज यूज इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसको पहली जंग अजीम में इस्तेमाल किया गया। इट इज अ पावरफुल वेजिकेंट। अच्छा, पावरफुल वेजिकेंट से क्या मुराद है? वेजिकेंट वेजिकल से निकला है, वर्ड किससे निकला है? अब वेजिकल पता है किसको कहते हैं? छालों को कहते हैं,
ये पावरफुल वेजिकेंट है क्योंकि इससे हमारे पास क्या जिस्म के ऊपर छाले वगैरह बनने शुरू हो जाते थे, क्या होने शुरू हो जाते थे, छाले वगैरह बनने शुरू हो जाते थे, दैट्स व्हाट इज नोन एज अ पावरफुल वेजिकेंट। सही है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है जी, आपने H2Cl2 ये वाली चीज़ लेनी है, इसका रिएक्शन करवा देना इथीन से, क्योंकि इसको हम तैयार करते हैं इथीन से। इथीन का फार्मूला ये वाला है। सही है। अब जैसे ही रिएक्शन होता है ना, आपका एक सल्फर आपने लगाना है दरमियान में यहाँ पे। अब क्योंकि आपने ये लेने दो, इन दोनों को इसके साथ करना है अटैच, बॉन्ड हो जाने इनके दरमियान में सिंगल, ये इस तरह CH2 CH2, सेम इसी तरह CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये वाला जो क्लोरीन है ना, दोनों के दोनों क्लोरीन, एक सल्फर यहां पे लग गया, दो क्लोरीन बचे हैं, दो क्लोरीन आपने नेक्स्ट इसके साथ लगा देने हैं, एक क्लोरीन यहां पे और एक क्लोरीन यहां पे, और इसके साथ एक सल्फर यहां बच जाएगा। और ये वाली चीज हमारे पास मस्टर्ड गैस है। ये क्या हमारे पास है? मस्टर्ड गैस। बस ये बात आपने याद रखनी है। सही है। ये थे जी इसके यूजेस इथेन के। पहले नंबर पे आर्टिफिशियल राइपनिंग, सिंपल सिंपल पॉइंट याद, आर्टिफिशियल राइपनिंग। इसके बाद एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे, पॉलीथीन के तौर पे, मुख्तलिफ केमिकल तैयार करने में ग्लाइकोल और अल्कोहल्स वगैरह, या एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी इससे तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड गैस, और मस्टर्ड गैस का अलग क्वेश्चन आता है, और ये रिएक्शन लाजमी याद रखिएगा, ये रिएक्शन लाजमी याद रखना है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।